बांग्लादेश के हाथों पहले टेस्ट मैच में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टेंशन बनी हुई है। अगले टेस्ट मैच में टीम को हर हाल में जीत की जरूरत है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में उन 3 खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है जिन्हें पिछले टेस्ट मैच से पहले रिलीज कर दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने बुधवार 28 अगस्त को ऐलान किया कि स्पिनर अबराद अहमद, बल्लेबाज कामरान गुलाम और तेज गेंदबाज आमिर जमाल दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी में ही दूसरा टेस्ट खेला जाएगा जो 30 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने 10 विकेट से रौंद दिया था। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पाकिस्तान पर ये पहली जीत थी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका तो तब था जब उन्हें अपनी ही जमीन पर इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तानी गेंदबाजी थी जिसके सामने बांग्लादेश ने 565 रन बनाए थे। पाकिस्तानी टीम उस मैच में 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरी थी और स्पिनर अबरार को रिलीज कर दिया गया था जिस पर सवाल उठे थे और आखिर में ये घातक भी साबित हुआ था। अब दूसरे टेस्ट मैच से पहले पीसीबी ने पिछली गलती से सबक सीखते हुए 25 साल के लेग स्पिनर अबरार को फिर से स्क्वाड में शामिल कर लिया है। इससे ये संकेत तो मिल गया कि अगले टेस्ट मैच में अबरार प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अबरार ने अभी तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं और कुल 38 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। पाकिस्तानी टीम को उम्मीद होगी कि पिछले मैच से मिला सबक अगले टेस्ट में उनके काम आएगा। अबरार की वापसी से पाकिस्तान के पेस बॉलर्स को भी थोड़ी राहत मिलेगी जो पहले टेस्ट में बेदम नजर आए थे। आपको बताते चलें, साथ ही बैटिंग ऑलराउंडर कामरान गुलाम को भी फिर से स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। उन्हें भी अबरार के साथ रिलीज कर दिया गया था और दोनों ने पाकिस्तान शाहीन के लिए एक मैच में हिस्सा लिया था। पहले टेस्ट के प्रदर्शन को देखते हुए कामरान गुलाम को दूसरे टेस्ट में डेब्यू का मौका मिल सकता है जहां वो मिडिल ऑर्डर में आगा सलमान की जगह ले सकते हैं। उनके अलावा तेज गेंदबाज आमिर जमाल को भी शामिल किया गया है जिन्हें पूरी तरह फिटनेस हासिल करने के लिए रिलीज किया गया था। हालांकि अभी भी अगले टेस्ट में उनका खेलना फिटनेस पर ही निर्भर करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में कौन ये मैच अपने नाम करेगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, देखते रहें क्रिकेट केसरी।